हेलो गाइस, माय नेम इज कुलदीप एंड वेलकम टू स्टडी फंडा। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, बिकॉज इंडिया ने अभी 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है एचएएल को। और ये जो ऑर्डर है ना, वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया, जिसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या, इसके क्या पावर है, और एक और जो है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, वो भी सेम ऐसे ही है, मतलब वो तो ऐसे ही डिसीजन लेती है, और उसके बारे में जाने के इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। और ये जो लेक्चर होने वाला है ना, ये जो हमारे सीएपीएफ के जो पेपर 2 है ना, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो भी इसके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ट्विटर में उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने डिसाइड किया है, जो उसको चेयर मतलब जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, डिफेंस मिनिस्टर के पास। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आर्मी नेवी और एयर फोर्स को मतलब 13,165 करोड़ के मतलब जो इक्विपमेंट में वो देंगे। तो उनमें से ये भी इसमें से एक ये भी है कि वो 25 ऐसे उसमें 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी उसमें शामिल होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं हेलीकॉप्टर। तो इस चीज को याद रखना, अगर आपने नहीं देखा तो इसमें मैं दिख जाएगा कि वो किस तरीके से दिखते हैं। तो ये काफी मतलब इनका ये मल्टी रोल चॉपर है, जो काफी अलग अलग इनके इनसे काम लिया जा सकता है, और इससे आर्मी नेवी और एयरफोर्स दोनों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस चीज को आप याद रखना। जैसे कि बताया कि इसको एक मेजर बूस्ट मिलना है, बिकॉज ये जो ऑर्डर दिया गया है वो इंडिया की कंपनी को दिया गया, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जैसे कि अगर पता चल रहा है कि ये ऑर्डर इंडिया की कंपनी को दिया जा रहा है, तो ये मेक इन इंडिया में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा, जिससे इंडिया की जो इमेज अभी जो बनी हुई है ना, कि इम्पोर्टर ऑफ द आर्म्स ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर आर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी जो मैं जो बनाना की मैन्युफैक्चरिंग हम बनाना है, तो इसमें थोड़ा कुछ मिलेगा। सो जैसे बताया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको डिसीजन लिया है, तो इस चीज को याद रखना। तो इसमें कुछ प्रोक्योरमेंट होगा, 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALS जिसको बोलते हैं, और Mark 3 का। तो इस चीज को आप याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ जाएगा तो ये पूछ जाएंगे कि 25 को किस तरीके के हेलीकॉप्टर ले जाना, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, या उनको नाम पूछ लिया जाएगा, या ये डिसीजन किसने लिया, तो ये डिसीजन लिया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। या क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को की चेयरमैन से मतलब उसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं या डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो इसको याद रखना। जैसे कि आप हेलीकॉप्टर के बारे में देखते हैं, तो उसका नाम है ध्रुव MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ये ना ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है, जिनका वेट 5.5 टन वेट है, मतलब 5.5 टन का इनका वेट है। और ये शक्ति इंजन के साथ आते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में भी जानिए क्या कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ मतलब कंपनी क्या है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, बिकॉज ये काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसको भी हम जानेंगे आगे लेक्चर में। तो जैसे मैंने बताया, MK3 भी वर्जन है, जैसे मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, तो इसका जो मेन यूज होगा, इसको यूज करेंगे, इसको सर्च और रेस्क्यू रेस्क्यू पर्पज से इसको यूज करेंगे, स्पेशल ऑपरेशन में इसको यूज करेंगे, या जो कोस्टल सर्विलेंस में इसका यूज करेंगे, ताकि जो इंडिया की जो काफी ज्यादा बड़ी 7.5 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी जो कोस्टल लाइन है ना, उसके सर्विलेंस में कोस्टल के लिए इसका इनका यूज किया जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखना। देन जैसे मैं बात कर रहा था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, बिकॉज ये जो डिसीजन लिया गया है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा ही लिया गया है, जिसके हेड कौन करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। इस चीज को याद रखना, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करते हैं। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में वो ऐसी चीजों को डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग ऑन ए न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन, मतलब जो नई पॉलिसीज होती है उनको डिसाइड उनके लिए डिसीजन लेता है, या कुछ कैपिटल एक्विजिशन करना हो, जैसे अभी लिया अभी किया गया 13,400 करोड़ का, जिसमें 25 ही ALS हेलीकॉप्टर ले जाए, तो ऐसे कैपिटल एक्विजिशन करना, तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वो लेती है। तो ये तीनों सर्विस के लिए ये डिसीजन लेते हैं, जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स ये तीन तो है, इसके अलावा ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी ये डिसीजन लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि डिफेंस एक्विजिशन मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो
इन तीनों सर्विस के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी ये अपने डिसीजन देती है, तो इस पॉइंट को याद रखना। इसके वजह से मतलब इसको चेयरमैन कौन करते हैं, यह है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो कि कौन है, राजनाथ सिंह। तो इस चीज को याद रखना। और इसकी जो मतलब इसको जो रिकमेंडेशन दी गई थी कारगिल वॉर के बाद ही, तो और इसको एस्टेब्लिश करके 2001 में, तो इस चीज को आप याद रखना। तो जैसे कि इसी और भी काफी सारे डिसीजन देते हैं, लाइक जैसे ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री टेक अप ए बिग डील्स फॉर आर्म ड्रोन सबमरीन इन अप्रैल। तो जैसे बताया कि ये डिसीजन ऐसे हमारे एयरफोर्स के लिए या हमारी जो नेवी है या आर्मी है, इन सब के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कैपिटल एक्विजिशन करना हो या कुछ इक्विपमेंट खरीदना हो, तो वो ये डिसीजन लेते रहते हैं, या उनको कुछ लगता है कि हाँ किसी चीज की कमी है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो ये सब चीजें डिसीजन लेते रहते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना। सो ये जैसे अप्रैल में जैसे अब आर्म ड्रोन के लिए या सबमरीन के लिए जैसे ऑर्डर दिए गए, तो ये चीज को याद रखना। और जैसे कि आर्म ड्रोन तो अब काफी ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं, तो आप इस चीज को याद रखना। इसके लिए हमारा लेक्चर भी है, तो इस आप उसको जाके देख सकते हैं, उससे उसमें आपको ड्रोन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके जैसे कि उसमें ड्रोन की 5 कैटेगरी के अलावा, तो इस चीज को आप याद रखना। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। देन इसके बाद जैसे मैं बता रहा था, एक और है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये दो कमेटी दो 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 चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने, एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और ये कमेटी। तो इस चीज को याद रखना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये डीलिंग करती है डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के बारे में, लाइक कुछ इंटरनेशनल डील करनी हो जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को इम्पेक्ट करती हो, या कुछ ऐसे इश्यूज हो जो डिफेंस रिलेटेड हो, तो इन सब के लिए ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब का रोल आता है। इस चीज को याद रखना। तो इसमें जो अगर इसकी मेंबर देखा जाए तो ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन हेड करता है, डिफेंस मिनिस्टर, बट कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इस चीज को याद रखना, ये इसमें इन दोनों में एक ये पॉइंट है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो ये चीज को याद रखना, ये मेन पॉइंट है इसमें। तो इसके मेंबर देखे हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए जो कि हेड है, दूसरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी इसमें है जो एज ए मेंबर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, देन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस चीज को, इन पॉइंट को याद रखना, इनकी मतलब ये मेंबर इसमें कौन कौन से हैं, और मेन पॉइंट इसका चेयरपर्सन या इसका हेड, इसको हेड कौन करता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जा सकता है। जैसे कि इस कमेटी ने जैसे काफी सारे डिसीजन, लाइक पेमेंट कमेटी अप्रूव तेजस डील जो कि 48,000 करोड़ की है, और ये मेक इन इंडिया में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी, तो इस चीज को भी याद रखना। देन जैसे कि इसके मतलब इसके लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उसने बोला कि अब सरकार ने देश में डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 83 तेजस विमान की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया एचएएल को। सो जैसे बन रहा है कि डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, तो मेक इन इंडिया के लिए ये काफी बड़ा बूस्ट को बूस्ट मिलेगा, तो इस चीज को आप याद रखना। अब जैसे कि इसमें तेजस के बारे में बताया गया, तो तेजस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो तेजस वो भी एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो हेलीकॉप्टर था, ये एयरक्राफ्ट है। इसको एक जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के इसके उसमें बेसिस में इसको स्टार्ट किया गया था, गवर्नमेंट ने कब किया था 1984 में, और इसको एस्टेब्लिश कौन करेगा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको मैनेज करेगी। और ये किसके अंडर आती है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जिसको नाम इसको हम बोलते हैं DRDO। तो इस पॉइंट को याद रखना। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, MiG-21 फाइटर प्लेन्स को। ये पॉइंट को याद रखना, जो तेजस जो है वो MiG-21 फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करेंगे, जिसको MiG-21 भी बोलते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, तो इस चीज को आप याद रखना। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बोला कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसमें ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये इंडिया की कंपनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इस चीज को याद रखना, बस इसमें एक मेन यही पॉइंट बन जाता है, अगर इसके बारे में अगर कुछ पूछते हैं तो यही पूछेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। ये कब स्टेब्लिश हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी 1940 में। तो ये दो पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, दो पॉइंट ऐसे बनते हैं। तो जैसे कि इसमें इसके और भी काफी सारे डिसीजन होंगे, लाइक इंडिया एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू मोर देन 84 कंट्री, मतलब इंडिया जो अपनी जो इंडिया की जो अभी इमेज बनी है ना कि बिगेस्ट इम्पोर्टर, आर्म्स इम्पोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो कम करने के लिए
इंडिया अब जो डिफेंस इक्विपमेंट जो खुद बनाता है उनको अब एक्सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो इंडिया के अंदर जो इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चर हब बना सके डिफेंस सेक्टर में, और जो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ना बाकी दूसरी कंट्री पर वो थोड़ी कम कर सके। इसीलिए इंडिया अब अपने अपने यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे काफी सारी स्लाइड में आपको दिखाया है, तो इस चीज को अब ध्यान रखना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है जो इस डील में जो बाकी अदर कंट्रीज हो गए उसमें कौन कौन से उसमें होते हैं, वीप उसमें वेपन सिमुलेटर हो गया, टीयर गैस लॉन्चर हो गया, टॉर्पेडो लोडिंग मैकेनिज्म हो गया, ऐसे अलार्म मॉनिटरिंग हो गई एंड कंट्रोल, तो ये ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट है जो इंडिया इन 84 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा एज ए डिफेंस इक्विपमेंट। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। सो इससे इंडिया की जो इमेज है वो इम्पोर्टर ना होगी, एक्सपोर्टर में थोड़ा कन्वर्ट होगी, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और इससे ना काफी सारी जॉब देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो इमेज है ना कि बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर वो इंडिया है, बिकॉज अगर इसमें सिप्रीका ये इसमें दे रखा है, इसमें स्टैटिक्स दे रखे हैं, तो इसमें जैसे देखा जाए द वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर तो इंडिया नंबर वन पे आता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया देन चाइना। तो वे इंडिया इतने काफी ज्यादा मतलब अपना जो मनी है ना वो डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में लगा देता है, जो कि कुछ हद तक के लिए सही भी, बिकॉज जो हमारे जो बॉर्डरिंग जो नेबर है वो पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज हैं, तो उन सबको देखते हुए इंडिया को इन सब चीजों पर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। इसी चीज को देखते हुए जैसे कि इंडिया का जो एक्सपेंस है वो इम्पोर्ट बिल काफी ज्यादा आता है, तो उस इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए इंडिया अपने यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग वो स्टार्ट करने जा रहा है, और इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग इससे इंडिया खुद की डिमांड तो पूरी करेगा, उसके अलावा कुछ चीजों को वो एक्सपोर्ट भी करेगा बाकी अलग अलग कंट्रीज को। सो इस लेक्चर में बस इतना ही बताना था कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तेजस वाला हो गया या ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया या हेलीकॉप्टर, इन सब के बारे में डिटेल में समझाया, तो इन सब पॉइंट को आप याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।